हेलो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास है मोटो जी फाइव एस प्लस का पैकेज। मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ इसी फोन का एक अनबॉक्सिंग एंड एक क्विक ओवरव्यू। यहाँ पर पैकेट को ओपन करने के बाद आपको मिलता है मोटो जी फाइव प्लस का कुछ इस तरह सा बॉक्स। बॉक्स के आगे तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है मोटो जी फाइव स्पेशल एडिशन और पीछे की तरफ इसके कुछ हाईलाइटिंग स्पेक्स। दोस्तों जल्दी से ओपन कर लेते हैं इस बॉक्स को और देखते हैं क्या है इसके बॉक्स कंटेंट। बॉक्स को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिलते हैं फोन। फोन को रखते हैं साइड में और देखते हैं क्या है बाकी सारे बॉक्स कंटेंट। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलता है कुछ वारंटी स्टॉप्स और पेपर वर्क्स और एक यूएसबी केबल जो यूएसबी टाइप ए टू माइक्रो यूएसबी है। एक चार्जिंग एडाप्टर जो कि 18 वाट का फास्ट चार्जर जिसके थ्रू आप इस फोन को फास्ट चार्जिंग कर पाएंगे। इसके अलावा यहां पे आपको मिलता है एक बेसिक हेडसेट और एक सिम इजेक्टर टूल। अब रखते हैं सभी बॉक्स कंटेंट को साइड में और देखते हैं क्या मिलता है आपको इस फोन के अंदर। फोन के ऊपर लगा हुआ स्टिकर को निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है 5.5 इंच के फुल एचडी आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले जो कि आता है कॉर्निंग वाला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन के साथ में। फोन की बैक साइड में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा और जिसके नीचे आपको मिलता है एक मोटोरोला का डिम्पल। फोन के राइट साइड में आपको मिलते हैं पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स और फोन की बॉटम साइड में आपको एक तरफ मिलता है माइक्रोफोन और दूसरी तरफ मिलता है एक स्पीकर और फोन की लेफ्ट साइड में आपको मिलता है सिम इजेक्टर टूल और फोन के ऑफ साइड में आपको मिलता है एक 3.5 mm हेडफोन जैक और फोन के फ्रंट साइड के बॉटम में आपको मिलता है टच कैपेसिटिव बटन जो कि फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है और एक होम बटन की तरह काम भी करता है। अगर सिम स्लॉट की बात करें तो देख लेते हैं इसके अंदर आपको किस तरह का सिम स्लॉट मिलता है इस सिम ट्रे को ओपन करके। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट मिलता है जिसके अंदर आप एक साथ आइदर दो सिम कार्ड और ये सिंगल सिम विथ माइक्रो एसडी कार्ड यूज कर पाएंगे। अब फोन को बूट कर लेते हैं और देखते हैं क्या है इस फोन की इनिशियल इंप्रेशन। दोस्तों फोन अभी सक्सेसफुली सेटअप हो गया है। यहाँ पे आपको स्टॉक एंड्रॉइड जैसा यूआई मिलता है जो कि मोटोरोला का सभी फोन में आपको देखने को मिलता है। चलिए देख लेते हैं क्या है इस फोन के एंड्रॉइड वर्जन। यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 7 लोगोट आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है जो कि काफी अच्छा है। यहाँ पे आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट भी मिलता है। जैसे कि ये कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसका कैमरा परफॉर्मेंस और इसका कैमरा का इनिशियल इंप्रेशन किस तरह से आपको मिलता है। कैमरा ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है एक बेसिक कैमरा स्टाइल। यहाँ पे लेफ्ट से राइट स्वाइप करने में आप इसके कैमरा मेनू को एक्सेस कर पाएंगे। इस बटन के ऊपर क्लिक करके आप और भी बहुत सारे मोड को स्विच कर पाएंगे। मैं इस सिम इजेक्टर पिन का एक इमेज लेके आपको इस फोन का कैमरा का एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ।
यहाँ पे इस बटन को क्लिक करके आप डेप्थ मोड एनेबल करके भी इस इमेज को ले पाएंगे। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको कुछ इस तरह से इमेज इस फोन के अंदर देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है अभी इनिशियल इंप्रेशन के साथ में। दोस्तों ये थी मोटो G5 S Plus की अनबॉक्सिंग एंड एक क्विक ओवरव्यू। मैं आगे आपको इस फोन के एक डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ। दोस्तों ये थी कंप्लीट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल अच्छा हो तो नीचे कमेंट कीजिए। लास्ट मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।